सोनम कपूर की रिसेप्शन पार्टी में ऋषि कपूर की नाराजगी की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने पति ऋषि कपूर की ओर से नीतू कपूर को माफी भी मांगनी पड़ी। ऋषि कपूर की नाराजगी सलमान खान से इसलिए थी कि उन्होंने उनका अभिवादन ठीक से नहीं किया और इसकी भड़ास उन्होंने सोहेल खान की वाइफ सीमा खान पर निकाल दी। उसके बाद ये बात सलमान खान तक पहुंची और फिर वो गुस्से में ऋषि कपूर से बात करने के लिए उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन तब तक ऋषि कपूर पार्टी से जा चुके थे। लेकिन सवाल है कि क्या ऋषि कपूर का गुस्सा सिर्फ इस वजह से था कि सलमान खान ने उनका अभिवादन ठीक से नहीं किया, उन्हें थोड़ा इग्नोर किया या फिर कुछ और? अभी नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऋषि कपूर के बारे में कहती है, ही इज अ ब्रैट, ही इज अ बुली एंड ही इज लाउड। रणवीर कपूर के बारे में नीतू कपूर कहती है, ही इज टोटली डाउन टू अर्थ, ही इज सिंपल एंड ही नेवर लूजेस हिज कूल। जी हाँ, नीतू कपूर ऋषि कपूर को बिगड़ैल और गुस्सैल कह रही है, जबकि रणवीर कपूर को डाउन टू अर्थ और कूल। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऋषि कपूर शराब पीने के बाद थोड़ा बेकाबू भी हो जाते हैं। कुछ यूजर्स ने उनके इस रवैये को उनकी उम्र का तकाजा भी बता रहे हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ यूजर्स ने यहाँ तक लिखा है कि ऋषि कपूर अपने बेटे रणवीर कपूर के करियर ग्राफ से भी थोड़ा चिंतित है। वहीं आपको बता दें कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कैटरीना कैफ को लेकर भी सलमान खान और रणवीर कपूर के मन में थोड़ा खटास बाकी है, क्योंकि कैटरीना कैफ पहले सलमान खान की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड मानी जाती थी और उसके बाद रणवीर कपूर। वैसे सलमान खान पार्टी में अर्जुन कपूर को भी पूरी तरह से इग्नोर करते दिखाई दिए, जिसकी वजह बताई जा रही है अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान के बीच हुए डिवोर्स, क्योंकि ऐसी खबरें काफी उड़ी थी कि अर्जुन कपूर के कारण ही मलाइका और अरबाज के बीच रिश्ते में दरार आई। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन बी टाउन और मीडिया गलियारे से तो खबरें गाहे बगाहे उठती ही रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है, वाकई में ऋषि कपूर का सलमान खान के प्रति गुस्से का कारण कुछ और था? बताएं अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।